कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। अगर आपका कंप्यूटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है, बेसिक नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कितने से टाइप होते हैं, कहाँ इसका यूज होते हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, ये सब आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, processes the data input, and generates the output in a required format. Computer एक electronic machine है जिसको हम data input देते हैं, जो हमसे data लेती है, input लेती है, उस data को process करती है, उस पर कुछ काम करती है, and generates the output in a required format. और हमारे लिए आउटपुट प्रोड्यूस करती है। दुनिया में कोई भी मशीन हो ऐसे ही काम करती है। हर एक मशीन में हम इनपुट देते हैं और कमांड देते हैं कि तुमने ये काम करना है, इस ऐसे करना है और इस डेटा पे करना है। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें हम कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं और पाउडर डालते हैं और मशीन को सेट कर देते हैं कि मशीन ने इतनी देर रोटेट करना है, इतनी देर मशीन ऑन होगी, या मशीन ने ब्लीचिंग करनी है या जो भी काम करना है, या कोई भी ऐसे मशीन हो, हम सब में ऐसे कमांड देते हैं। तो कंप्यूटर भी हमसे इनपुट लेती है, डेटा लेती है और कमांड लेती है, उस पर काम करती है और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है। फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। स्टेप वन है, टेक्स डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, स्टोर्स द डेटा इन इट्स मेमोरी एंड यूजेस देम एज रिक्वायर्ड। डेटा या कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं उन्हें स्टोर करता है मेमोरी में और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको यूज करता है। प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेस करता है और उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जनरेट्स द आउटपुट, हमें आउटपुट देता है। एंड कंट्रोल्स ऑल द अबव फोर स्टेप्स। और एक काम और होता है कंप्यूटर में कि ऊपर जो भी काम हुआ है, इनपुट हुई, प्रोसेस हुई, स्टोर है, आउटपुट है, उन सबको कंट्रोल करता है। डायग्राम में देखेंगे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये बेसिक काम है कंप्यूटर का। इसके अलावा स्टोरिंग है और कंट्रोलिंग है। एडवांटेजेस, कंप्यूटर इतना पॉपुलर कैसे है? कंप्यूटर हर जगह यूज होता है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में यूज होता है। उसका मेन रीज़न क्या है, उसके रीज़न पढ़ेंगे। हाई स्पीड, कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट डिवाइस। एक मशीन है इसलिए बहुत फास्ट काम करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डेटा दे देते हैं तो भी ये उस पर कैलकुलेशन ईजिली कर सकता है। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड इवन द पिको सेकेंड्स। ये सेकंड का भी हजारवां तक पार्ट होता है, मतलब हमें जिस काम को करने में टाइम लगता है, कंप्यूटर उस काम को सेकंड के भी कुछ सैकड़ों, सौवें या हजारवें पार्ट में काम कर देता है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट होती है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकंड्स एज कंपेयर टू मैन हु विल स्पेंड मैनी मंथ्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। लाखों कैलकुलेशंस को करने में हमें कुछ टाइम लगेगा, कंप्यूटर उस काम को कुछ सेकंड्स में कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट होती है। सेकंड इज एक्यूरेसी, इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। अब मोस्टली हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कोई काम करते हैं तो हमारे चांस होता है कि हम गलती करेंगे, बट कंप्यूटर बहुत फास्ट होने के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट मशीन भी है। मीन्स कंप्यूटर बिल्कुल ठीक काम करता है, बिल्कुल भी गलती नहीं करता। कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री, कंप्यूटर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती है। कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट इनपुट इज करेक्ट। अगर हमने कंप्यूटर को डेटा और कमांड ठीक दी है तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। स्टोरेज कैपेबिलिटी, मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। मेमोरी बहुत बड़ी फीचर है कंप्यूटर में जो है, और किसी मशीन में मेमोरी नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर में होती है।
कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, प्लस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम कितने भी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम कोई डेटा आज की डेट में स्टोर करते हैं तो उसको हम चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ओपन करें तो हमें वो डेटा एज इट इज़ मिलेगा। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोज, टेक्स्ट, ऑडियो एट्सेट्रा, और किसी भी टाइप का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हम होते हैं, हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं या हमारा ध्यान भटक जाता है, ऐसा कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर अपना काम जो है बहुत ध्यान से करता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। कंप्यूटर किसी काम को लगातार और बिना बोर हुए, बिना थके कर सकता है। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये इंसानों में कमी होती है, हमें कमी होती है कि अगर हम किसी काम को बार बार करें तो हम उससे बोर हो जाएंगे, चांसेस है कि हम उसमें गलतियां करें और थक भी जाते हैं तो हमारी स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर जो है किसी काम को कितनी भी बार करे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी में कोई फ़र्क नहीं आता। वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मशीन। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर कई टाइप के काम कर सकता है और दुनिया भर में सिर्फ एक कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो कई टाइप के काम कर सकती है। बाकी हम कोई भी मशीन देखें, किसी भी मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो मशीन दुनिया में कहीं भी हो, वो जो इस काम के लिए बनाई गई है उस वही काम करती है। बट कंप्यूटर हर जगह अलग काम करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ वेरी फ्लैक्सीबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। जो भी जो हम देंगे कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर बहुत ईजीली कर सकता है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। अब अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग जॉब हैं, तो कंप्यूटर हर एक फील्ड में काम कर सकता है। एट वन इंस्टांस इट मे बी सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी प्लेइंग अ कार्ड गेम। मतलब कंप्यूटर कितना ईजीली काम कर सकता है, ये लिखा हुआ है कि किसी मोमेंट पे बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल उससे अगले मोमेंट में ये गेम भी खेल सकता है। रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। अब कंप्यूटर में इतनी सारी फीचर्स हैं तो हम कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि कंप्यूटर ठीक काम करेगा, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइव्स। और जो आज के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी। और आज के जो कंप्यूटर बन रहे हैं उनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कम हो गई है, उनकी ओवरहेड कॉस्ट होती है, मतलब ख़राब कम होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। ऑटोमेशन। कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। अब मशीन है तो हमें इसको सिर्फ एक बार कमांड देनी होती है और ये कंप्यूटर काम को अपने आप करता है। ऑटोमेशन इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। ऑटोमेशन का मीनिंग भी यही होता है कि हम कोई काम किसी को दें तो वो काम ऑटोमेटिकली करे या ऑटोमेटिकली काम हो जाए। वंस द कंप्यूटर रिसीव्स अ प्रोग्राम, दैट इज द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, देन द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। हमने एक बार कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, मीन सॉफ्टवेयर डाल दिया कंप्यूटर में, तो बाकी सारे काम हमारे बिना इंटरफेस के, मीन्स हमने कंप्यूटर में कुछ नहीं करना, वो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस। किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी कंप्यूटर के यूज से पेपर वर्क कम होता है और काम की स्पीड बढ़ती है। मीन्स हम ईमेल से कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं या कैसे भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें हमें पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस सब से स्पीड भी फास्ट होती है।
As data in electronic files can be retrieved as and when required, the problem of maintenance of large number of paper files get reduced. अब कंप्यूटर में डेटा को हमने स्टोर करना है, मेंटेन करना है, वो काफ़ी इजी वर्क होता है, और उससे कंपेरेटिवली अगर हम उस वर्क का प्रिंट आउट रखते हैं तो हमें बहुत सारी फाइलें मेंटेन करनी पड़ेंगी जो टाइम के साथ साथ डैमेज भी हो जाएंगी, तो हमारे इसमें जो वर्किंग होती है, जो मेहनत होती है, वो भी कम होती है. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ और इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज हाई, इट सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन. एक बार स्टार्टिंग में कंप्यूटर की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है एज कम्पेयर टू पेपर वर्क, बट अगर हम कंप्यूटर में लगातार काम करते हैं तो हमें लास्ट में देखते हैं कि कंप्यूटर वर्क जो है बहुत इजी हो रहा है और उससे कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है. डिसएडवांटेजेस, कुछ कमियां भी है कंप्यूटर में. नो IQ. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क. अब एक कंप्यूटर कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर में कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप कोई काम कर ले. ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर. हमें कंप्यूटर को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि काम कैसे कैसे करना है, काम के स्टेप्स क्या होंगे. अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन. अब कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता कि मैं ये काम करूँ, ये काम होना चाहिए, या ये सिचुएशन ठीक है, ऐसे कुछ कंप्यूटर डिसाइड नहीं कर सकता. तो कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है. डिपेंडेंसी, इट फंक्शंस एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, दस इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस. अब कंप्यूटर को हम जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा, तो कंप्यूटर को काम करने के लिए हम पर डिपेंड होना पड़ता है. एनवायरनमेंट, द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल. अब कंप्यूटर जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, और वो रूम भी साफ होना चाहिए, वहाँ पे डस्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हीट और डस्ट होगी तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाते हैं. नो फीलिंग, कंप्यूटर्स हैव नो फीलिंग्स और इमोशंस. अब कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन में फीलिंग भी नहीं होती, इमोशंस भी नहीं होती. इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग्स, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमंस. जैसे हम फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता. हमारा जो अगला लेसन होगा उसमें हम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, मीन्स कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है, ये सब पढ़ेंगे.